अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर होस्ट मोहम्मद उमर। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और यू वाचिंग पॉपकॉर्न। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि लॉलीवुड, बॉलीवुड और तेलुगू की। तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आजकल क्या जॉनरा चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, और जो सीडीज़ और डीवीडीज़ का दौर था वो किस तरह वॉश आउट हो गया, किस तरह लोग इतने डिजिटलाइज हो गए, और किस तरह नेटफ्लिक्स आ गया और बीट करता जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री को भी। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन लाजमी बताएं। थैंक यू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? A1, सब ठीक ठाक। तो सर आपका किस चीज़ का काम है? मेरा ये DVD वगैरह का है, लेकिन वो अब इस वक्त इसका एंड हो गया या हुआ है, साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल वगैरह का स्टार्ट किया हुआ है। सही हो गया। तो CDs से आपका काफ़ी लिंक है एक अरसे से, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? ये काम करते हुए तकरीबन हो गए 24-25 साल। तो आपको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत ज़्यादा होना होगी, हाँ, और ये भी पता होगा कौन सा एरा चल रहा है और इसमें क्या चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। बिल्कुल सही हो गया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, ज़्यादा पसंद करते हैं, बॉलीवुड, लॉलीवुड या तेलुगू? हॉलीवुड ज़्यादा है। सही, उसके बाद इंडियन है और तेलुगू है। पाकिस्तानी कस्टमर मूवीज़ का बहुत कम है, लेकिन ये है कि अब जो सीडीज़ का काम है वो वैसे एंड हो गया हुआ है, तो अब ज़्यादा सारा नेट पर चला गया है। अब ज़्यादा उधर से चेक हो सकता है कि बंदा क्या चेक देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन जितनी देर मैंने काम किया ना उस वक्त इंडियन का ज़्यादा रूज था, उसके बाद हॉलीवुड का मेरे पास कस्टमर ज़्यादा था, लेकिन पाकिस्तान फिल्म मूवीज़ का बहुत कम था। सही हो गया। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तानी मूवीज़ का और इंडियन मूवीज़ का, और उसके साथ अगर तेलुगू का भी हम करते हैं, हॉलीवुड तो एक अपर लेवल आ जाता है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन आ जाती है, बहुत बड़ी फील्ड आ जाती है। तो अगर मैं इन तीन इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन करूं तो कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा इस वक्त जो है ना तेलुगू ज़्यादा चल रही है, तेलुगू ज़्यादा चल, इंडिया से भी जो है ना उससे भी ज़्यादा इस वक्त तेलुगू ज़्यादा चल रही है, और इंडियन जो पंजाबी मूवीज़ है ना वो इस वक्त ज़्यादा चल रही है, यानी कि तेलुगू और पंजाबी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो किस तरह उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इतना ग्रूम किया, क्योंकि पहले तो नहीं इतनी देखी जाती थी ये वाली मूवीज़, तो इतना डेवलप कैसे किया उन्होंने अपनी इंडस्ट्री? तेलुगू की ठीक है, वो जिस तरह उन्होंने मारते हैं एक पंच और इधर उधर सब कुछ होता है, लेकिन उनकी स्टोरीज भी अच्छी होती हैं, और जो पंजाबी हैं उसमें कॉमेडी बहुत ज़्यादा है और वो रियल लगती है, जिस वजह से सबको ज़्यादा पसंद है। सही हो गया। तो बॉलीवुड की मैं बात करूं तो बॉलीवुड पे भी एक टाइम पे काफ़ी रूज था और स्टिल है अभी भी, लेकिन मैंने ही नहीं कभी देखी और मेरे पास कस्टमर भी उसका इतना नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है इतने। सही हो गया। तो बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड क्या नज़र आ रहा है, बढ़ रहा है आगे या नीचे की तरफ आ रहा है? अब तो मैं बता रहा हूँ कि अब DVDs का काम है ही नहीं, नहीं। अब तो जो रिसेंटली क्या है ये तो मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है इस वक्त, वो तो नेट से बंदा देख के बता सकता है कि इस वक्त कौन सी साइड से ज़्यादा चल रही है, वहाँ से बंदा चेक कर सकता है। सही हो गया। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आप कहाँ पे देख रहे हैं, क्या फ्यूचर है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का आने वाले वक्तों में, बीट करेगी तेलुगू इंडस्ट्री या पंजाबी इंडस्ट्री? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उस लेवल तक जाएगी। उसकी क्या वजह? यहाँ पर एक्टर्स अच्छे नहीं है, एक्टर्स नहीं है, स्टोरीज नहीं है, सही, राइटर्स नहीं है उस तरह, हाँ, राइटर्स भी नहीं है। मूवी कौन सी आपकी? ये इसकी इंडियन में है, वांटेड है, वैसे हॉलीवुड में फास्ट फ्यूरियस के पार्ट थे सारे, वो तो काफ़ी मूवीज हैं। सही। अच्छा, तो फेवरेट मूवी स्टार कौन सा आपका? सलमान खान। सलमान खान, सलमान भाई के फैन है भाई। अच्छा, तो पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर? पाकिस्तानी मैंने बताया, मैंने कभी देखी कभी नहीं, देखी कभी नहीं देखी। क्या बात है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री बहुत फ्लॉप है। हाँ जी। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हावना होगी फिल्म इंडस्ट्री की और मूवीज़ वगैरह की, और पता भी होगा कि लोग क्या पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है एक्शन मूवीज़ पसंद करते हैं, उसके बाद इंग्लिश का ट्रेंड ज़्यादा है, तमिल मूवीज़ भी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इंडियन मूवीज़ अब ज़्यादा, अब हाँ तकरीबन अब ज़्यादातर वेब सीरीज़ देखी जाती हैं। सही हो गया। सीजन देखे जाते हैं। हो गया। अगर मैं बात करूँ मूवी इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की, तो क्या कंपैरिजन समझते हैं पाकिस्तानी मूवीज़ का, लॉलीवुड का, बॉलीवुड का और तेलुगू का? पाकिस्तानी मूवीज़ में जो है ना, क्योंकि फहाशी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग बहुत कम देखते हैं, फैमिलीज़ में बैठ के आप पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं देख सकते। कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो अब उर्दू मूवीज़ बन रही हैं, तो वो आप फैमिलीज़ के साथ देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जैसे वो पाकिस्तानी पुरानी मूवीज़ हैं, वो बाबे देखते थे, वो आप फैमिली में बैठ के कम से कम नहीं देख सकते। सही। तो वो जो इंडियन मूवीज़ हैं उनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं? इंडियन में होता है, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि इंडियन मूवीज़ भी आज कल लोग इसी वजह से ज़्यादातर तमिल मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि वो रियलिटी बेस बनी होती हैं, तो उसमें एक्शन होता है, वो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। सही हो गया। तो कंपैरिजन किया जाए इन तीन फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, तो कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर? ज़्यादा जो पंजाबी मूवीज़ बन रही हैं ना, इंडियन या पाकिस्तान? इंडियन पंजाबी, इंडियन सिखों की मूवीज़ जो वो बना रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, ये सबसे बड़ी बात। कोई मूवी सजेस्ट करना चाहें पंजाबी? पंजाबी अंग्रेज़ मूवी है, बहुत सारी मूवीज हैं, कपिल शर्मा की है, नहीं अंग्रेज़ मूवी है वो अपना अमरिंदर गिल की, अमरिंदर गिल, अमरिंदर गिल, कैरी ऑन जट्टा है, उसके दोनों पार्ट हैं, मंजी बिस्तरे, बहुत सारी मूवीज हैं। सही हो गया। तो ब्रदर
क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप आने वाले वक्तों में बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड एक टाइम पे बहुत पीक था बॉलीवुड का, और अब हमें वो ग्रूव नहीं नज़र आ रहा बॉलीवुड में, तो क्या वजह है? बेसिकली आप देख रहे हैं जितने भी पुराने हीरोज़ थे ना, अब उनमें से किसी की भी मूवी नहीं आ रही, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग एक्शन पसंद करते हैं, तो बॉलीवुड जो है उन्होंने एक्शन बिल्कुल अलग कर दिया है। सही, बॉलीवुड मूवीज़ आ रही हैं, रोमांटिक मूवीज़ आ रही हैं, तो एक तो वो फैमिलीज में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नहीं देखी जाती हैं, और उसके बाद लोगों का इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता रोमांटिक मूवीज़ देखने में, तो इसलिए एक्शन मूवीज़ ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और बॉलीवुड मूवीज़ में एक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, 100 में से 10% होता है बस। सही, तो जो एरा चल रहा है आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स आने वाले वक्त में फिल्म इंडस्ट्री को बीट कर जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, या कर रहे हैं अभी भी। नेटफ्लिक्स की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें फिर यही है ना कि आप फैमिली में नहीं देख सकते। सही हो गया। जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ लोग ज़्यादातर फैमिली में देखते हैं मूवीज, ऐसी तो मूवीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आप फैमिली में देख सकें। ठीक हो गया। तो ब्रदर बात करूँ मैं अपनी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, तो क्या वजह है इतनी पीछे क्यों आ रही है हर चीज़ में पाकिस्तान? कोई भी इंडस्ट्री है तो फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली बहुत नीचे है, इवन तेलुगू से भी नीचे है, पंजाबी इंडस्ट्री से भी नीचे है, क्या वजह? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ वसाइल नहीं है। वसाइल जितना पैसा हम मूवी पर लगाते हैं इतना वो खाली उसकी पब्लिसिटी पे लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी वजह। तो वो इतना पैसा उनको मिलेगा तो वो उस तरह वो काम कर सकेंगे। अब हमारे जो हीरोज़ हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं और दुनिया उनको देख रही है, वही हीरोज़ अगर यहाँ मूवीज बनाएंगे तो लोग उनको नहीं देखेंगे। और पहले भी काफ़ी मूवीज बना भी चुके हैं लेकिन वो इतनी हिट नहीं हुई। मेरी फेवरेट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। नाइस यार। और फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर जो है वो है डेंजल वाशिंगटन। नाइस, अच्छा टेस्ट है यार। थैंक यू।